अच्छा तो तुम यहाँ खड़े हो, मेरे पैसे कब दे रहे हो? अरे मैडम आप कौन हो और कौन सी पैसों की बात कर रही हो? अच्छा जब पैसों की जरूरत थी तब तो बहुत मक्खन लगा रहे थे और अब पहचानने से इनकार कर रहे हो। अरे ये आप क्या कह रही हैं? लगता है आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हाँ गलत फहमी तो मुझे हो गई थी जो मैं तुम्हारी बातों में आ गई। पहले तो मुझे धोखा दिया, अब मेरे पैसे देने से मना कर रहे हो। मैडम आप ये क्या बोल रही हैं? अरे सही में मेरा विश्वास कीजिए, मैं इस लड़की को जानता तक नहीं हूँ। अच्छा नहीं जानते? ये देखो मेरे फोटो का वॉलपेपर लगा रखा है अपने फोन में और कह रहे मुझे जानता नहीं है। ओके मैडम ये बताइए कितने पैसे लिए हैं आपसे इसने? 1,00,000 रुपए। सुनो अगर कल तुमने इनके सारे पैसे नहीं दिए ना तो कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। नहीं सर मुझे कल का टाइम मत दो, मुझे आज ही चाहिए, मुझे अर्जेंट है। 1 मिनट सर, आप ये फोटो देखिए, सेम कपड़ों में और बैकग्राउंड भी यहीं का है, लगता है इसने इसी टाइम में चुपके से फोटो ले ली मेरे फोन से। ये क्या मैडम तुम तो फ्रॉड कर रही हो। नहीं सर मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रही हूँ, इसकी बातों में मत आना, ये बहुत झूठ बोलता है। क्या चल रहा है यहाँ पे ये सब? अरे देखो ना सर ये लड़की कितना झूठ बोल रही है, मेरे मोबाइल से चुपके से फोटो खींच के और मुझे अपना बॉयफ्रेंड बता रही है और मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अच्छा तो आज तुम मुझको मिल ही गई। तुम्हारे ना शहर में बहुत चर्चे चल रहे हैं कि तुम ऐसे ही स्कैम करके लोगों को ठगती हो, अच्छा हुआ जो आज तुम मेरे हाथ लग गई। अच्छा तो इस लड़की का ये फ्रॉड और स्कैम पहले से चल रहा है क्या? हाँ सर ये सब ना बहुत पहले चल रहा है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसको अभी थाने ले जाकर ना अच्छे से इसको सबक सिखाता हूँ। नहीं नहीं तुम इसको थाने लेकर मत जाओ, क्योंकि इसको थाने पुलिस लेकर जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं, मैं भी तो पुलिस वाला हूँ, ये वर्दी तो देखिए। तुम दोनों मिलकर जो ये कर रहे हो ना ये मुझे बहुत पहले से पता है, उस दिन देखो अगर तुमने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए ना मैं तुम्हारे भाई को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, आई बात समझ में? लेकिन सर मैं 1,00,000 रुपए कहाँ से लाऊंगी? देखो अगर तुम मेरे प्लान के हिसाब से चलोगी ना तुम्हारे पास बहुत जल्दी ढेर सारे पैसे हो जाएंगे, और पुलिस वाला हुई कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं संभाल लूंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तुम्हारे भाई को मैं फेक केस लगवा के 10 साल के अंदर करवा दूंगा। नहीं 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 सर आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। इम्प्रेसिव, दैट्स गुड, चलो मेरे साथ। तुम लोगों के ग्रोह को ना मैं बहुत पहले से ढूंढ रहा था, लेकिन तुम लोगों की बातें सुनकर ना मैं खुद अचंभे में पड़ गया। और ये जो मेरा बॉस है ना ये मेरा कांस्टेबल है और मैं इस शहर का नया SP हूँ। ये ना हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था तुम्हें पकड़ने का और आज तुम दोनों रंगे हाथों पकड़े गए। सॉरी सर हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने गलती नहीं कानून के साथ खिलवाड़ किया है और इस वर्दी का भी मजाक उड़ाया है। ये सिर्फ महज एक वर्दी नहीं ये करोड़ों लोगों का विश्वास है और तुमने उस विश्वास को तोड़ा है और विश्वास तोड़ने की सजा ना तुम्हें कोर्ट ही सुनाएगी। कांस्टेबल एक काम करो इसको गाड़ी में डालो फटाफट। जी सर। सॉरी सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं पता नहीं क्यों इसकी बातों में आ गई थी, इसकी बातों में आके मैंने आपके साथ ऐसे किया, मुझे माफ कर देना सर। देखिए मैडम अगर आपको कोई ब्लैकमेल करता है और आप उसकी बात मान लेती हैं तो आपको ना जिंदगी भर ब्लैकमेल होना पड़ेगा, इसलिए हमेशा ना लाइफ में सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। चलो ठीक है मैं आपके भाई को जेल से बाहर निकालता हूँ, आगे से ना सोच समझ के डिसीजन लेना। ब्लैकमेल करने वालों से हमेशा सावधान रहे, अगर आपको कोई ब्लैकमेल करता है तो उसकी शिकायत नजदीकी पुलिस स्टेशन में जरूर करें। क्या आपको लगता है कि इस वीडियो में इस सीनियर अधिकारी ने बिल्कुल सही इंसाफ किया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलना।